हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। माय नेम इज अंकुर कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस एंड आंसर का। ये सीक्वेंस नंबर 6 है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा पावर। पावर आपने सुना होगा। देखो, पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है किसी भी सर्किट के अंदर। पावर जब तक नहीं होगी उसके अंदर करंट और वोल्टेज नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं। देखो, बेसिकली पावर उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब देखो, पावर होता क्या है अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें। अगर हम एनर्जी की टर्म्स में पावर को रिलेट करें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, मीन्स पी इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, पी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी, या ऐसा भी बोल सकते हैं एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सो ई इक्वल टू पी इंटू टी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पावर के बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। पावर के टाइप भी होते हैं। पावर 3 टाइप की होती है। एक होगी एक्चुअल पावर, जिसको हम बोलते हैं रियल पावर, या फिर कौन सा एक्टिव पावर। सेकंड, रिएक्टिव पावर, इमेजिनरी पावर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू होता है हमारा रिएक्टिव पावर, मतलब जो कि हमारी एनर्जाइजेशन करने के लिए यूज, ठीक है। वैसे अभी ये सब चीजें मुझे नहीं बतानी चाहिए इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मोटिव रहेगा पावर की कैलकुलेशन करना। पावर के टाइप्स यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे इस वीडियो में, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। थर्ड टाइप की जो पावर है वो होती है हमारी अपेरेंट पावर, या फिर कॉम्प्लेक्स पावर, जो कि सम ऑफ बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर होती है। इसका फॉर्मूला है एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, जो कि कॉम्प्लेक्स पावर है, कॉम्प्लेक्स टर्म है। कॉम्प्लेक्स टर्म के अंदर दो टर्म होती है, एक रियल टर्म, एक इमेजिनरी टर्म। जो रियल टर्म है वो एक्टिव पावर है, जो इमेजिनरी टर्म है वो रिएक्टिव पावर है। तो एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो उसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर जो होगा एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही रखूंगा मैं, बाकी अब फॉलो करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो, इस क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। सो पावर का एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा नहीं है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा यार, पी इक्वल टू वी इन टू आई। पावर जो है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। सो ये तो इजिली आप बता सकते हैं कि ये पावर का ही फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू वी इन टू आई। नेक्स्ट आपका पी इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आर। सो आई स्क्वायर इंटू आर कैसे करेंगे आप देखो, ऊपर वाला जो फर्स्ट है फॉर्मूला, उसमें वी को क्या रख सकते हैं, आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो v इक्वल टू आई इंटू आर अगर पुट करेंगे और मल्टीप्लाइड में i, सो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। सो आई थिंक b वाला ऑप्शन आ गया, p इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, सो ये भी करेक्ट है। ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, सो थर्ड वाले पे चलते हैं, p इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वैसे तो आप लोगों ने ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, ये सब सुन रखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे आ रहे हैं। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से फिर से चलते हैं, p इक्वल टू वी इंटू आई। सो जो i होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, i इक्वल टू v बाई आर। तो एक तो वोल्टेज है ही और एक वी बाई आर और हो जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब चलते हैं डी पे। डी क्या है आपका, पी इक्वल टू आई बाई आर। ये तो आपने कहीं नहीं सुना होगा यार। वैसे भी अगर आपके ऊपर वाले तीन सही हैं तो फोर्थ गलत ही होगा, और अगर इसकी बात करें तो आई बाई आर, आर इक्वल टू कितना होता है, वी बाई आई, तो आई स्क्वायर बाई वी हो जाएगा। नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है पावर का, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट या रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। देखो फ्रेंड्स, आपने अभी पढ़ा था पी इक्वल टू वी इन टू आई, है ना। सो पी इक्वल टू वी इन टू आई से हमें ये पता चलता है कि जो पावर है वो हमारी वोल्टेज से भी प्रोपोर्शनल है और करंट से भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओनली। बिल्कुल गलत है यार, वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल है और करंट के भी। तो वोल्टेज ओनली तो हम टर्म यहाँ से यूज नहीं कर सकते कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली। सो इसको भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि पावर इज नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एज वेल एज वोल्टेज। थर्ड ऑप्शन, पावर इज नाइदर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नॉर टू दी करंट, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, पावर इज प्रोपोर्शनल टू बोथ दी वोल्टेज एंड करंट, ये आपका एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि P इक्वल टू वी इन टू आई होता है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एज वेल एज प्रोपोर्शनल टू करंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं।
इफ ए 250 वोल्ट बल्ब पासिस ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर्स कैलकुलेट दी पावर इन दी लैंप। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 0.3 एम्पियर्स, आपसे पावर पूछा गया है। पावर का आपको पता है फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो वी कितना है यहाँ पे, वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, करंट कितना है यहाँ पे 0.3 एम्पियर्स। तो यहाँ 250 वोल्ट इंटू 0.3 एम्पियर्स कितना हो जाएगा, 250 इंटू 0.3 हो गया आपका 75 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 75 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर फ्रेंड्स किसकी यूनिट होती है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता है तो मैं यहाँ से देखो एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ, और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ये एनर्जी का यूनिट होता है बेसिकली। अभी मैंने क्या बताया था आपको, एनर्जी और पावर में रिलेशन बताया था, पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर जो होगा पी इक्वल टू ई बाई टी, पी इक्वल टू होगा एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो एनर्जी कितना होगा, पावर इंटू टाइम, ई इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, ई इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू टी। पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है, और टाइम की क्या होगी, किलोवाट बोल सकते हैं या वॉट, नहीं तो किलोवाट भी बोल सकते हैं क्योंकि लार्ज यूनिट किलोवाट हो जाएगी। और टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर्स। तो किलोवाट इंटू आवर्स क्या हो जाएगी यूनिट, एनर्जी की यूनिट। देखो यहाँ से पढ़ के देख लो, पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी। इफ द यूनिट ऑफ पावर इन किलोवाट एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज एन आवर, then the unit of energy equal to unit of power into unit of time, that will be kilowatt hour। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट दी पावर इन दी 20 ओम रेजिस्टेंस। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 200 वोल्ट अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और आपका 20 ओम अगर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए तीन फॉर्मूले थे आपके पास, पी इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पी इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, पी इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। मीन्स पी इक्वल टू वी इंटू आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या गिवेन है, उसमें से आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे जो भी गिवेन है उसके तरीके से आप सोल्व करो। कर आप कोई से भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वोल्टेज निकाल लो 20 ओम के अक्रॉस और करंट निकाल लो V इंटू आई कर लो। आप करंट निकाल लो टोटल सर्किट के अंदर और I स्क्वायर R कर लो। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज गिवेन है 200 वोल्ट, अकेला रेजिस्टेंस है तो कोई इशू नहीं है। वोल्टेज टोटल गिवेन है 200 और R रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 ओम, तो I V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R कर लेंगे सीधा। यहाँ से V इक्वल टू 200 वोल्ट आ गया और रेजिस्टेंस R हो गया 20 ओम, तो P इक्वल टू कितना लगाएंगे हम, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो आ जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, सो 2000 वोल्ट, या फिर 1000 वोल्ट को हम 1 किलोवाट बोल सकते हैं ना, तो इसलिए बोलेंगे 2 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी आ रही है, पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, अच्छा टीचिंग है, बुरा टीचिंग है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है, उससे हमें इम्प्रूव करने में फायदा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लोज इन अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम्स, कैलकुलेट दी एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकेंड्स इन दी रजिस्टर। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में आई गिवन है करंट 5 एम्पियर्स। पहले क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व करके देखिएगा, फिर आंसर आप मेरा जो भी आंसर बता रहा हूँ वो देखना है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करिए, अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखिए, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देखिएगा। तो इसमें करंट कितना गिवन है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर्स, और इसमें ओम कितना दिया हुआ, रेजिस्टेंस 2 ओम्स दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ 300 सेकेंड। अब देखो पावर कितना होता है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, यहाँ पे वी आई तो गिवन नहीं है, तो इसमें आई और आर गिवन है, सो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 जो 25 इंटू 2 हो गया 50 वॉट, क्योंकि ये पावर है, तो 50 वॉट हो गया। अब मैंने बताया था एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, पावर इंटू टाइम, तो E इक्वल टू P इंटू टी, तो P कितना था हमारा 50, इंटू टी कितना हो गया 300, तो 50 इंटू 300 कितना हो गया यहाँ से, 50 इंटू 300 हो गया यहाँ से 15,000 जूल्स, या फिर इसको बोल सकते हैं 15 किलो जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट दी पावर अक्रॉस ईच 20 ओम रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं 20 ओम 20 ओम। वोल्टेज सोर्स कितना है 200 वोल्ट, यहाँ से 200 वोल्ट अक्रॉस। अब इसको देखो, हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में एक ही रेजिस्टेंस था और वोल्टेज सोर्स था,
वहां पे हमें कोई इश्यू नहीं था पीगल टू बी स्क्वायर बाई आर लगाने में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दो रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस में और वो भी इक्वल वैल्यूज के हैं, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे पीगल टू सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं इजिली यहाँ से दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से टोटल करंट फाइंड करेंगे जो कि सेम होगी इन बोथ दी सर्किट बोथ दी रेजिस्टेंसेज। तो यहाँ से वोल्टेज कितना है, यहाँ से वोल्टेज आएगा 200 वोल्ट और करंट निकालने के लिए आई इक्वल टू वी बाई आर चाहिए, आर कितना है यहाँ से 20+20 बिकॉज सीरीज सर्किट है, तो आई इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 20+20 तो 200 डिवाइडेड बाई 40 मतलब आपका आ गया 5 एम्पियर्स, तो आपका जो करंट आ गया आई इक्वल टू 5 एम्पियर्स यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका आई इक्वल टू 5 एम्पियर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, आई इक्वल टू 5 एम्पियर्स के बाद आपको चाहिए रेजिस्टेंस के अंदर पावर कितना है, तो पावर निकालने के लिए P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर करते हैं, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो कैसे करेंगे, I मतलब हमारा कितना आया था 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर का स्क्वायर इंटू 20, तो 25 इंटू 20 कितना हो गया 500 वॉट, सो 500 वॉट आपका आ गया पावर एक रेजिस्टेंस के अंदर। अब फ्रेंड्स ये बताओ आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो दोनों में सेम है तो, और करंट की वैल्यू तो सीरीज में सेम ही होती है, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसमें भी कितनी होगी पावर जितनी की पहले में होगी, तो उसमें भी कितनी होगी 500 वॉट्स, आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट दी पावर अक्रॉस ईच 10 ओम रेजिस्टेंस, जितने भी दो 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ 100 वोल्ट, तो आपको क्या करना है दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर पावर फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे इसमें देखो, सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये एक पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट के अंदर क्या सेम होता है वोल्टेज करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप क्या करेंगे यहाँ पे पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे कि यहाँ पे 10 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे पहले वोल्टेज फाइंड करेंगे अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में सेम होता है। यहाँ पे 100 वोल्ट लगा हुआ है जो कि 10 ओम के अक्रॉस फर्स्ट वाले के अक्रॉस भी उतना ही होगा और सेकंड वाला जो 10 ओम है उसके अक्रॉस भी सेम ही होगा, तो 10 ओम के अक्रॉस यहाँ पे 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी कितना है हमारा 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कितना है हमारा 10 ओम, तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 ये कितना आएगा यहाँ से देखो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 1000 वॉट बचेगा, 1000 वॉट मतलब 1 किलो वॉट। ठीक है, आप यहाँ से देखो अगर इसमें वोल्टेज फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज 100 है, सेकंड वाले में रेजिस्टेंस वोल्टेज 100 है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी सेम ही होगा और जो वैल्यू होगी उसकी वो होगी कितना 1 किलो वॉट। ठीक है, दोनों में वोल्टेज जो पावर होगी वो होगी सेम और 1 किलो वॉट। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट दी वर्क डन इन अ रेजिस्टेंस रेजिस्टर ऑफ 20 ओम कैरिंग 5 एम्पीयर ऑफ करंट इन 3 आवर्स। देखो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, वर्क डन को एक तरह से हम एनर्जी भी बोलते हैं या एनर्जी को एक तरह से हम वर्क डन भी बोलते हैं। तो नाइन्थ में क्या है, कैलकुलेट दी वर्क डन इन अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम, 20 ओम का एक रजिस्टर है उसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है 3 घंटे के लिए, उसमें पूछ रहा है आपसे कि वर्क डन कितना होगा मींस एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होगा P इक्वल टू V इंटू आई या फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर या फिर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, और आपको पता है एनर्जी इक्वल टू कितना होता है पावर इंटू टाइम। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले पावर फाइंड करेंगे, पावर यहाँ पे करंट की भी ना और रेजिस्टेंस, तो आई स्क्वायर इंटू आर अप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू आर की मतलब 20, तो यहाँ से आ जाएगा 500 बिकॉज 5 जा 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 हो गया आपका 500। ठीक है, 500 वॉट आ गई आपकी पावर, अब आपके 3 घंटे के लिए वो लगाया हुआ है 3 आवर्स मतलब देखो इसमें क्या किलो वाट आवर में हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारा 500 वॉट आया है तो 500 वॉट को 0.5 किलो वाट हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक, मतलब 500 डिवाइडेड बाई 1000 ये हमारा किलोवाट आ रहा है, किलोवाट में आ जाएगी वैल्यू, तो किलोवाट में आ गई 0.5 किलोवाट। अब हमें निकालना है एनर्जी, तो किलोवाट में पावर निकल चुकी है, एनर्जी निकालने के लिए 3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इक्वल टू वर्क डन बोल सकते हैं या एनर्जी बोल सकते हैं, W इक्वल टू P इंटू T मतलब 0.5 इंटू 3, तो ये आ गया 1.5 किलोवाट आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका दी SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की जो SI यूनिट है, देखो पावर क्या होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है SI यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई SI यूनिट ऑफ टाइम, एनर्जी की SI यूनिट क्या है जूल, और SI की एनर्जी SI यूनिट ऑफ एनर्जी होगी अगर जूल, तो टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट होगी पावर की,
सो फ्रेंड्स यहाँ से हमें पता चला कि जो पावर की एसआई यूनिट है, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, तो एसआई यूनिट में हमारा जो पावर की यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली, बाकी और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और आपको जो भी डाउट्स आते हैं इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं रेडी हूँ बताने के लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए अच्छे से और देखते रहिए मैत्री मंत्राज पे अपने वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके।